नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन धमाके के साथ बिजली केबल में हुआ फॉल्ट, कई मीटर जले, लोग गहरी नींद से घबरा कर उठे। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज में आए दिन बिजली फॉल्ट सामने आ रहे हैं। कहीं खम्भों में आग लग रही है तो कहीं केबल जल रही है। रात करीब 1 बजे अचानक जोरदार धमाके के साथ बिजली लाइनों में 3 स्थानों में फॉल्ट हुआ और कई मकानों के मीटर आग की भेंट चढ़ गए। गहरी नींद में सोए हुए लोग धमाके की आवाज से घबरा कर उठ गए। चारों ओर अंधेरा और जलते हुए मीटर देखकर घबरा गए। करीब 10 घंटे के बाद बिजली कंपनी फॉल्ट को सुधार पाए, लेकिन पूरे दिन फिर भी लाइट का आना जाना लगा रहा और अभी भी आधा शहर करीब 20 घंटे के बाद भी अंधेरे के आगोश में समाया हुआ है। जनता का आरोप है केबल डालने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। तांबे की केबल हटाकर एल्युमिनियम तार की केबल डाली गई है, जो लोड नहीं सह पा रही है और आए दिन उसमें फॉल्ट सामने आ रहे हैं। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट।